ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को मैं स्मिता और मैं अमित, हमारा प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोताओं, आइए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज होगी पहले स्वास्थ्य चर्चा, इसके बाद एक गीत होगा और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र बाइबल का संदेश। तो चलिए स्वास्थ्य चर्चा सुनने से पहले सुनते हैं ये गीत। नसीब क्या है, बड़ा बदी नसीब है मेरा। नसीब क्या है, बड़ा बदी नसीब है मेरा। नसीब क्या नसीब क्या है, बड़ा बदी नसीब है मेरा। नसीब क्या है, बड़ा बद नसीब है मेरा। नसीब क्या है, बड़ा बदी नसीब है मुझसे तो खुश नसीब, मुझसे तो खुश नसीब, नसीबे सलीब है मुझसे तो खुश नसीब, नसीबे सलीब है मुझसे तो खुश नसीब, नसीबे सलीब है मेरा। नसीब क्या है, तो देखिए इंसान और लकड़ी की किस्मत तो देखिए, इंसान और लकड़ी की किस्मत तो देखिए। मसीह के करीब है, मैं दूर दूर हूँ मसीह के करीब है, मैं दूर दूर हूँ मसीह के करीब है मेरा। नसीब क्या है,
दौलत नहीं मिली जिसको मसीह के प्यार की दौलत नहीं मिली जिसको मसीह के प्यार की दौलत नहीं मिली वो ताजदार हो के भी वो ताजदार हो के भी बिल्कुल गरीब है वो ताजदार हो के भी बिल्कुल गरीब है मेरा नसीब क्या है बड़ा बदी नसीब है मेरा नसीब क्या है। प्यारे बच्चों, सुनीति आंटी की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम धूल का कमाल नाम की कहानी सुनेंगे। यह उन दिनों की कहानी है जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी के सेनापति रोमेल अपनी खास रणनीतियों के लिए जाने जाते थे। एक बार अफ्रीका के एक रेगिस्तान में जर्मन सेना अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी, तब उसके तोपखाने के गोले खत्म हो गए। अंग्रेज सेना सामने से बड़ी चली आ रही थी। बारूद वो गोले न होने से अंग्रेज सेना को रोक पाना असंभव सा हो गया था। ऐसे में साथी सेनाधिकारी दौड़े दौड़े घबराहट में रोमेल के पास आए और बोले, सर, अंग्रेजों ने हमला बोल दिया है। हमारे पास इस समय खाली तोपों के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे में हम क्या करें? इतनी जल्दी इस समय तो किसी भी चीज की व्यवस्था करना काफी मुश्किल है। साथियों की बात सुनकर रोमेल थोड़ा भी नहीं घबराए। वह धैर्यपूर्वक बोले, देखो, इस तरफ परेशान होने से कुछ भी नहीं होगा। बुद्धि और चतुराई से काम लेकर दुश्मन सेना के छक्के छुड़ाने होंगे। हमारे पास गोले और बारूद न सही, धूल तो है। तोपों में धूल भरो और दनादन दागो। कुछ हवाई जहाजों को भी उड़ाने के लिए ऊपर छोड़ दो। रोमेल की बात मानकर ऐसा ही किया गया। तोपों की गड़गड़ाहट से आसमान भी हिल गया। चारों ओर धूल ही धूल उड़ी देखकर अंग्रेज डर गए। उन्होंने समझा कि शत्रु की भारी भरकम सेना आगे बढ़ती चली आ रही है। उड़ती हुई धूल में वे वास्तविकता का पता नहीं लगा सके। इधर जर्मन हवाई जहाजों ने भी खाली उड़ान भरकर शत्रु सेना को आतंकित कर दिया। अचानक दहशत में आ जाने से शीघ्र ही शत्रु सेना के पांव उखड़ गए और वह भाग खड़ी हो गई। इस तरफ रोमेल की बुद्धि और चतुराई से बिना किसी हथियार के ही सफलता मिल गई। भले ही द्वितीय विश्व युद्ध में निर्णायक जीत जर्मनी को न मिली हो, पर रोमेल को उनके शत्रु देशों के सैन्य अधिकारी भी याद करते हैं। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप पत्राचार द्वारा यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं पर या फिर स्वास्थ्य विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। तो आइए पवित्र बाइबल से आत्मिक संदेश सुनने से पहले और एक गीत सुनते हैं।
जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआ ना था ना पाक थे, दी हमें जिंदगी वरना हम खाक थे, तूने जब तक छुआ ना था ना पाक थे, पाक रूह हमको दी, पाक हमको किया, पाक रूह हमको दी, पाक हमको किया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, इसके बदले में कुछ भी न हमसे लिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, सच के चिरागों को रोशन किया, तूने सच के चिरागों को रोशन किया, रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, रास्ता हमको नेकी का दिखला दिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, तूने फिर भी गले से लगाया मुझे, मैंने चांदी के सिक्कों में बेचा तुझे, तूने फिर भी गले से लगाया मुझे, तूने कोई शिकायत न शिकवा किया, तूने कोई शिकायत न शिकवा किया, मेरी खातिर मसीह तूने क्या ना किया, मेरी खातिर मसीह तूने क्या ना किया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे।
कभी तो उस पे रहमत लौटाता रहा। पॉल हर पॉल अपना भुलाता रहा, फिर भी तो उस पे रहमत लौटाता रहा। तूने अपने करम का भरम रख लिया, तूने अपने करम का भरम रख लिया। फूक चादर से उसका गुनाह ढक लिया, फूक चादर से उसका गुनाह ढक लिया। मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया। जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे, जिंदगी बख्श दे, बंदगी बख्श दे। ले लिए मेरे गम हर खुशी बख्श दे। मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया, मुझ गुनहगार को तूने अपना लिया। मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया शुक्रिया, मेरे यीशु तेरा शुक्रिया। रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, परमेश्वर का वचन कहता है कि क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है, फूल झड़ जाता है। पहला पत्रस 1:24। परमेश्वर के वचन का ये सत्य स्वीकार करने के लिए क्या आप तैयार हैं, या अभी तक फूलों की तरह झड़ने वाले बेवव के लालच में पड़े हुए हैं? यदि हम भाप हैं तो इस जगत से चिपक कर रहना हमें छोड़ना होगा। पवित्र आत्मा कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। पहला पत्रस 2:11। एक दिन हम ये संसार छोड़कर जाने वाले हैं। हम यहां से कुछ भी नहीं ले जा सकते हैं। जब संसार का न्याय होगा तब हमें परमेश्वर के न्याय के सामने खड़ा रहना होगा। अपने कामों का हिसाब देने के लिए केवल हमारे ही नहीं, इस पृथ्वी के भी जीवन के दिन गिने हुए और थोड़े हैं। संत पत्रस लिखता है, परंतु प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी आवाज के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तृप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी उस पर के काम जल जाएंगी। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? दूसरा पत्रस 3:10-11। इस रीति से परमेश्वर का वचन आज हम लोगों को सिखाता है कि यह संसार और उसमें जो है वो सब कुछ पल भर का है। इसलिए उससे मोह करना छोड़कर परमेश्वर की ओर फिर जाओ जो हमारी मुक्ति का दाता है। इस पृथ्वी की कोई भी चीज हम अपने साथ दूसरे लोक में नहीं ले जा सकते। यही सत्य संत पौलुस अपनी पत्री में लिखता है। वो कहता है कि क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और कुछ ले जा सकते हैं। यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पहला तिमोथियस 6:7-8। यदि हम भाप समान हैं तो
तो फिर हमें किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। यीशु पर विश्वास रखने वाले हर एक मनुष्य को संसार के वैभव से पीठ फिराना अवश्य है। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। प्रभु यीशु पर विश्वास रखने वाले हर एक मनुष्य को दिन रात मसीह के वचन को पढ़ना चाहिए, प्रार्थना में मग्न रहे और मसीह के वचन के अनुसार जीवन जिए। वही पवित्र और प्रेम का साक्षी है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी आनंद की बात यह है कि उसने सुसमाचार फैलाने का काम अपने लोगों को सौंप दिया है। प्रभु यीशु ने खुद ये आज्ञा अपने चेलों को दी थी, इसलिए हर एक विश्वास को यीशु का सुसमाचार लोगों को बताना चाहिए ताकि वे परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी के लिए काम करें। अगर आप यीशु का सुसमाचार दूसरे को नहीं बता रहे हैं तो अभी तक आपको ये सुसमाचार समझ में नहीं आया है। प्रभु यीशु ने पतरस को आवाज दी और वो उसके पीछे चलने लगा। प्रभु ने मती चुंगी लेने वालों को बुलाया और उसने भी सब कुछ छोड़कर प्रभु यीशु को स्वीकार किया। आज भी प्रभु यीशु 2000 सालों से बहुतों को आवाज दे रहा है। कुछ लोग पतरस की तरह उसको स्वीकार कर रहे हैं तो कुछ लोग संसार के वैभव के चक्कर में उससे पीठ फिरा रहे हैं। ये बड़े आनंद की बात है कि प्रभु यीशु के चेले संसार के कोने कोने में उसका सुसमाचार सुना रहे हैं। परमेश्वर उसके लोगों को फिर एक बार बुला रहा है। क्या हमें उसकी आवाज सुनाई दे रही है? हमारे संपत्ति और वैभव हमारे और परमेश्वर के बीच एक दीवार की तरह है। हमारा विलासी जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आने देता है। पवित्र वचन कहता है, बुलाए हुए तो बहुत हैं, परंतु चुने हुए थोड़े हैं। ये वचन सत्य है। यही समय है कि हम प्रभु यीशु की आवाज को सुने, उसे स्वीकार करें। हम भाव जैसे हैं ये समझ ले कि संसार का वैभव, सुख और विरासता के जीवन की लालसा को छोड़ दे और धार्मिकता में जिए। प्रार्थना करके परमेश्वर से बातचीत करें, उसके वचन के अनुसार जीवन जीकर उसका सुसमाचार दूसरों तक पहुंचाएं। हमारे निर्णय से हम दूर ना जाएं। हम प्रार्थना करें कि हे प्रभु यीशु, तुझे स्वीकार करने के लिए हमें शक्ति दे। हमें बहकाने वाले शैतान को हमसे दूर रख, हमें अपना चेला बना। ये प्रार्थना विश्वास के साथ करते रहें, तब प्रभु का जीवन आप में रहेगा, आप यथार्थ में जिएंगे। मेरे मित्रों, आप अगर हम मुझसे बात करना चाहते हैं, प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अगर आप बीमार हैं, उदास हैं, बहुत सी समस्याएं आपको घेर रखी है, तो आप मुझे फोन करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल नंबर है morrisawr@gmail.com, morrisawr@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन भी सुन सकते हैं। मेरा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। इंसान और लकीड़ की किस्मत तो देखिए, इंसान और लकीड़ की किस्मत तो देखिए, इंसान और लकीड़ की किस्मत तो देखिए।
दूर दूर हूँ वो मसीह के करीब है। जिसको मसीह के प्यार की दौलत नहीं मिली, जिसको मसीह के प्यार की दौलत नहीं मिली, जिसको मसीह के प्यार की दौलत नहीं मिली, ताजदार हो के भी वो ताजदार हो के भी बिल्कुल गरीब है। वो ताजदार हो के भी बिल्कुल गरीब है। मेरा नसीब क्या है, बड़ा बदी नसीब है। मेरा नसीब क्या है। श्रोताओं, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें अवश्य लिखिए। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। पता एक बार फिर नोट कर ले, कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। और अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इसी मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए मैं स्मिता और मैं अमित, हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।